ये आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, जो सम्मान के साथ अपनी आजीविका को चलाने के लिए मेहनत कर रही हैं। साल 2022 में पंजाब सरकार की पहल कार्यक्रम के तहत संगरूर के अकालगढ़ गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस सेंटर का उद्घाटन किया गया था। पंजाब पुलिस पहनेगी अब पंजाब के गांव के महिलाओं के हाथ की बनी वर्दियां। इस समय हम संगरूर के अकालगढ़ गांव में खड़े हैं, जहां से एक शुरुआत हुई है कि अब पंजाब पुलिस की जो वर्दी है वो गांव की महिलाएं बनाएगी। इसको लेकर अब ट्रायल के रूप पर ये पुलिसकर्मी हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी वर्दी का ट्रायल लिया जा रहा है कैसी बनी है। लेकिन इसी को लेकर आप देखिए कि 2022 में इस पहल प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, जो पंजाब का पहला जिला संगरूर बना था, जहां से सिर्फ स्कूल की वर्दियां थी, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा ऑर्डर है जो पंजाब पुलिस का मिला है, जहां पर 350 पंजाब पुलिस के कर्मियों की वर्दियां हैं वो ये महिलाएं तैयार कर रही हैं, जहां पर फुली ऑटोमेटिक ये मशीनें हैं इन महिलाओं इसके चलते जे अभी देखिए जहां पर भी एक वर्दी है वो तैयार हो रही है, और दूसरी ओर जहां पर देखा जाए तो जहां पर स्कूल की वर्दी तैयार हो रही है ये फुली ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जहाँ पर स्टिचिंग का काम, वहाँ पर बटन लगाने का काम फुली ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। इस सेंटर में स्कूली बच्चों की ड्रेस के साथ साथ पंजाब पुलिस के जवानों की ड्रेस को बनाने का काम किया जाता है, और हाल ही में इन महिलाओं को पुलिस की 350 ड्रेस बनाने का ऑर्डर मिला था, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। यहां बनाई जा रही पुलिस यूनिफॉर्म की खास बात ये भी है कि इनको तैयार करने की लागत पहले से आधी हो गई है। पहले जहां पुलिस यूनिफॉर्म के लिए लगभग 3500 रुपए देने पड़ते थे, वहीं इन महिलाओं के द्वारा तैयार की गई यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ 1100 रुपए देने होंगे। साडे ग्रुप बनी हुई सी जी, उदे विच सानू मैसेज मिलिया भी ऐ करके भी तुसीं सिलाई दा काम करना चाहुंदे हो। असीं सिलाई दा काम पहलां करदे हुंदे सी लहरी अगे हौजरी दा जी, ते उदों बाद सानू इह दे बारे पता लग्गिया, फिर असीं इत्थे आ के काम करिया। उरे सानू ज़्यादा वैसे वड्डियां मशीनां नहीं, उत्थे असीं आपदा घरें जा के काम करदे सी, घरे इन्ना काम नहीं हुंदा सीगा। पहल नाम के इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार पूरे राज्य में लागू करना चाहती है। आपको बता दें कि इस सेंटर में काम करने वाली महिलाएं 10,000 से 20,000 रुपए महीना कमा रही हैं, जिससे वो बेहद खुश हैं। ਸੀ ਕਾਲਗੜਾ ਹੌਜਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਟੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਟੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 30-40 ਪੀਸ ਕੱਢਦਾ ਨੇ ਜੀ, 300-400 ਬਣਦਾ ਹੈ। हाईटेक सिलाई मशीनों और सुविधाओं से लैस इस सेंटर पर 500 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। इसके अलावा इस सेंटर से जुड़ी महिलाएं छोटे छोटे समूहों में भी अपने घर से इस योजना के तहत काम कर रही हैं। जी 2022 में हमारी टीम ने जो है ये एक आइडिया हमारे दिमाग में आया कि पंजाब सरकार की तरफ से 600 रुपए स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए बच्चों को दिए जाते हैं। हमने देखा कि काफ़ी जगह पे जो है ये चीज़ टेंडर आउट करी जाती है ठेकेदारों को, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी वो जो देते हैं, काफ़ी बार क्वालिटी की चीज़ें आती हैं काफ़ी बार। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट हम जो बनाते हैं हर गांव-गांव में जो महिलाएं बनाती हैं यूनिफॉर्म्स, उन्हीं को पूरा पैसा मिले, क्यों बीच में जो मिडिल मैन है उस पैसे को ले। तो वहाँ से इस आइडिया की शुरुआत हुई। पहल योजना के तहत इन महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिला है बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिला है। अब देखना यही होगा कि ये योजना राज्य के अन्य जिलों में किस स्तर तक कारगर साबित होती है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो।